हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। देखिए आज आपको पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज है 13.3। 13.1 और 13.2 इसे लास्ट वाली क्लास में हमने कंप्लीट करवाई है। हालांकि लास्ट वाली क्लास में केवल एक एक्सरसाइज है 13.2 और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 13.1 कंप्लीट करवाया है, सारे एक एक प्रश्न हल करवाए हैं। 13.1 में पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन है और 13.2 में ये आयतन संबंधी सारे प्रश्न हैं। ठीक, तो अगर अब तक इन वीडियोज को आपने नहीं देखा है तो आई बटन दबा के बिल्कुल निश्चित रूप से इनको देख लें, कंप्लीट कर लें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको क्लिक करके आप इन वीडियोज को जरूर पढ़ लें, कंप्लीट कर लें, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और बस इस एक्सरसाइज को देखेंगे कि इसमें आज आपको करना क्या है। वास्तव में इस एक्सरसाइज में आपको वास्तव में कुछ आकृतियां, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक गेंद है, ये कोई धातु की गेंद है और इसको पिघला करके ये कोई बेलन बनाया जाए, तो आप निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि इस गोले का आयतन इस गेंद इस बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी चीज को पिघला के ये बनाया गया। या कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, जैसे दो गेंदें हो सकती हैं, ये लोहे की दो गेंदें हो सकती हैं, दोनों को पिघला करके ये बना दिया जाए तो इन दोनों के आयतनों का योग बराबर इस बेलन के आयतन के हो जाएगा। या ये जरूरी नहीं है गेंद की बात हो, मान लो बेलन दिया जाए, इस बेलन को पिघला करके एक शंकु बना दिया जाए तो इसका मतलब इस बेलन का आयतन बराबर इस शंकु का आयतन हो जाएगा। ठीक, तो बस इस प्रकार के सारे प्रश्न इस एक्सरसाइज में आने वाले हैं, जो कि एक चीज को पिघला करके दूसरी चीज बनाई जाएगी उनके आयतन बराबर होंगे। ऐसे भी हो सकता है कि एक कोई गड्ढा बेलनाकार गड्ढा खोदा जाए या कुआं खोदा जाए, उस कुएं से जो मिट्टी निकली उसके एक चबूतरा बना दिया गया, तो खोदी गई मिट्टी जो कुएं से मिट्टी खोदी गई है उसका आयतन बराबर चबूतरा बनाया गया उस मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो बस इसी प्रकार के सारे प्रश्न इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा, एक एक सारे प्रश्न को हम बताएंगे, कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आपको बिल्कुल परीक्षा में एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको इस प्रश्नावली से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं एक्सरसाइज के सवाल। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई बताइए। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि एक किसी ठोस को पिघला के दूसरा जब ठोस बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से इस ठोस का आयतन बराबर बनाए गए ठोस के आयतन के बराबर होगा। तो यहां पर कुछ इस प्रकार है, देखिए त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाया गया। जैसे हम कुछ आकृति बना के बताएं तो देखो इस प्रकार से हम बना सकते हो, यहां पर यह है एक आपका गोला ये, और इस गोले की त्रिज्या दी गई है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का यह धातु का कोई गोला है और इसको पिघला करके क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। ये देखिए बेलन के रूप में इसको ढाला गया है, ये है आपका एक बेलन और ये बेलन के रूप में इसको ढाल दिया गया है। तो हमने आपको बताया कि जो एक चीज को पिघला करके मानी एक ठोस को पिघला करके जब दूसरा ठोस बनाया जाएगा तो इस ठोस का आयतन बराबर दूसरे वाले ठोस का आयतन। अब इसमें आपको दिया गया है कि पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये बेलन बनाया गया है, तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ये ऊंचाई हमसे मान लें h, ये पूछी गई है, h का मान पूछा गया है। ठीक, देखिए समझे क्या लिखना है आपको, गोले का आयतन बराबर इस बेलन का आयतन। ठीक, पहले हम गोले का आयतन निकालें फिर बेलन का आयतन, दोनों बराबर कर दें। तो यहां पर देखो ध्यान दें, गोले की त्रिज्या दी गई है कितनी, गोले की त्रिज्या r बराबर दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। यहां लिख दें गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या लिखोगे, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, बराबर 4/3 पाई r का मान आपको लिखना है 4.2 इसका क्यूब लिख दें। ठीक है, बस इतना घन सेंटीमीटर लिख दें, ये तो हो गया गोले का आयतन। अब आपको क्या लिखना है, बेलन का आयतन, और बस दोनों को बराबर कर देंगे, लिख दें बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर बहुत अच्छी तरीके से जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये आपका आर हमने कैपिटल बना लिया क्योंकि यहां भी आर है वहां भी आर है, तो ये आर किसका है, ये बेलन का आर है माने कैपिटल वाला। तो देखो पाई और आर का मान आपको 6 लिखना है, लिख दें 6 का स्क्वायर और बस ये एच हमें निकालना है, ये तो हमने पूछा गया है प्रश्न में, तो एच का एच मान हमें निकालना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच और आर का मान हमने 6 रख दिया, एच का मान हमें ज्ञात करना है। बस क्या लिख दें, चूंकि लिख दें गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, बनाया गया है, अतः बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। क्या लिख दें, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, बराबर गोले का आयतन। ठीक, बस हमने आपको बताया वही ट्रिक सब सवालों में लगभग है। तो बेलन का आयतन तो देखो हमने ये निकाला है पाई गुणे 6 का स्क्वायर गुणे एच बराबर गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई गुणे 4.2 का क्यूब। ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा पाई तो कैंसिल कर दो भाई, हम माने ही नहीं रखेंगे, क्या जरूरत है। और ये आपका 6 × 6 हो जाएगा स्क्वायर, है ना, 6 का स्क्वायर मानी 6 × 6 इंटू एच अपनी जगह पे, और ये 4/3 गुणे में 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। ठीक, चाहो तो देखो एक बार 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12 मानी ए आपका हो गया 1.4 और ये 6 × 6 यहाँ पर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। तो बस एच बराबर आपको निकालना है कितना, 4 × 1.4 × 4.2 × 4.2 और ये अपॉन में लिखना है कितना, 6 × 6 ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, बस इसको कैंसिल करोगे देखो 6 × 7 = 42, 6 से इसको करोगे 0.7 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से इसको करोगे तो 0.7 बार ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर समझो जो बचा है वही समझो h का मान है। तो h बराबर हो गया कितना, 4 × 1.4 और गुणा में 7 × 0.7 और 0.7 का मल्टीपल 0.7 × 7 = 49। ठीक है, बस इसको हल करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो 4 × 14 = 26 हासिल 12 और 14 × 56 और 56 में जब 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 68, तो ये हमारा हो गया 0.686 और 4 का और मल्टीपल कर दें तो 4×6 = 24 हासिल 2, 4×8 = 32 और 2×34 हासिल 3 और 4×6 = 24 और 3×27, तो 1, 2, 3 अंक के बाद 0 लगाना है, 2.744 सेंटीमीटर ऊंचाई का ये बेलन बना के तैयार हमने कर लिया है। इसको जब गोले को पिघलाया गया है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जब बेलन बनाया जाएगा तो इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 2.744 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं। हमने जैसा कि बताया आपको कि जब एक चीज को पिघला करके दूसरी कोई चीज बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से इसका आयतन बराबर इसका आयतन, बस यही हर एक सवाल का यही आपका लॉजिक है, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया गया है, 3 ये गोले दिए गए हैं, इनको तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, इसका मतलब इन तीनों गोलों के आयतनों का योग बराबर बनाए गए बड़े गोले का आयतन। देखिए हम चित्र से समझाते हैं, इधर देखें, देखो एक दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला, यहां पर लिख दें एक है या आपका ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला, फिर इसके बाद एक दूसरा गोला है उसकी त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर और यहां पर एक तीसरा गोला है उसकी त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर और इन तीनों गोलों को पिघला करके, ये थोड़ा सा चित्र सही से आप ये समझो कि बस गोला है भाई, थोड़ा बहुत हो सकता है यहां से कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये गोला है, एक है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक है 8 सेंटीमीटर का और एक है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला और ये है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला और ये है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला, जबकि इन तीनों को पिघला करके इकट्ठा मिला लिया गया है तो मतलब इन तीनों के आयतनों का योग बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर मान लें, ये नीचे बना दें एक बड़ा त्रिज्या का गोला है, इस त्रिज्या की गोला हम मान की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर,
ये हमसे पूछी गई है को जो तीनों गोलों को पिघला करके जो बड़ा गोला बनाया गया है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो मान लेते हैं कि उसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक, ये हमसे पूछी गई है। क्लियर, तो बस इन तीनों के आयतनों को निकाल के और जोड़ देना है और जोड़ के बराबर इसके लिख देना है, बस आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर, देखो इसको मान लें कि इसकी त्रिज्या आर वन है, ये इसको हम आर टू लिख दें, इसको हम आर थ्री लिख दें, और ये तो आर लिख ही दिया हमने, तो बस तीनों यहां पर लिख दें। चूंकि तीनों गोलों को पिघलाकर, तीनों गोलों को पिघलाकर आर त्रिज्या का, आर त्रिज्या का गोला बनाया गया है, बनाया गया है, अतः तीनों गोलों का आयतन का योग, तीनों गोलों के आयतन का योग, आयतन का योग बराबर आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा काम है, बस इन तीनों के आयतनों को जोड़ दें और बराबर इसके आयतन के बराबर लिख दें। तो बताओ इस गोले का आयतन कितना हो जाएगा, पहले वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर वन का क्यूब लिख दें, इसकी त्रिज्या हमने आर वन मान ली, ठीक, वैसे आर वन बराबर 6 है, 6 लिख देंगे बाद में, प्लस दूसरे वाले त्रिज्या आर टू त्रिज्या का गोला है, उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर टू का क्यूब, तीसरे वाले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर थ्री का क्यूब, और बराबर में काय के हो जाएगा, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो को एक काम करें कि 4/3 पाई सारे तीनों पदों से आप कॉमन ले सकते हो, तीनों पदों से 4/3 पाई कॉमन ले लें, तो ये बचेगा आर वन का क्यूब, प्लस यहां बचेगा आर टू का क्यूब, प्लस यहां बचेगा आर थ्री का क्यूब, और बराबर में लिख दें 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। अब ये 4/3 पाई से 4/3 पाई वाला पद पूरा पूरा कैंसिल कर दें, आर वन आर टू आर थ्री के ये मान हमें दिए गए हैं, इनको रख दें, बस आर का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए आर वन का मान लिखेंगे 6, तो लिख दें 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, और बराबर में लिखना है आर का क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब होता है 6 × 36 = 216 प्लस 8 × 64 = 512 और 10 × 100 = 1000, मानी इसका क्यूब 1000 होता है, 10 का क्यूब 1000, और बराबर में क्या लिखोगे, आर का क्यूब, ठीक है। बस इनको सबको जोड़ दें तो ये हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। आर क्यूब बराबर देखो कितना, ये 2 और 6 = 8 लिख दें, दूसरे अंक पर है 1 1 2 लिख दें, तीसरे अंक पर 5 2 = 7 लिख दें, और चौथा अंक आपका 1 है 1728। आर क्यूब बराबर 1728, बस घनमूल लें, आर क्यूब बराबर इसका घनमूल लें, तो 1728 के हम फैक्टर करेंगे, तो देखो ऐसे लिख दें 12 × 12 × 12 बराबर होता है 1728। बस आर बराबर अगर निकालोगे तो यहां से आर का मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। मानी इन तीनों गोलों को पिघला करके जो नया गोला बनाया गया है उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। क्लियर, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं। देखो हर सवाल में आपको हमने बताया यही करना है कि इन तीनों के आयतनों को, मतलब जो चीज पिघला के दूसरी चीज बनाई जाएगी, तो इनके आयतन बराबर जो चीज बनाई जाएगी, जो ठोस बनाया जाएगा उसका आयतन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। भैया अगर लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसके आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान काम है। देखो क्या किया गया है यहां पर, हम चित्र से आपको फिर से दोबारा देखो चित्र बनाए, और चित्र से थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आ जाता है। देखो हम ये कुआं, इसको हम कुआं मान लेते हैं, ये बेलनाकार आकार का जो कुआ है, ये देखो इस तरीके से माना कि ये कुआ खोद दिया गया, और इस 7 मीटर इसका व्यास है, तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं उसकी त्रिज्या 7/2 हो जाएगी, ठीक। ये आपकी कितनी हो जाएगी, 7/2 यहां से यहां तक, और इसकी गहराई कुएं की कितनी है, देखो 20 मीटर गहराई का कुआ है, 20 मीटर इसकी गहराई है, और इसकी जो मिट्टी खोदी गई है
वो मिट्टी खोद करके क्या किया गया है, इसका एक चबूतरा बना दिया गया है। यहां पर देखो ये इस चबूतरे का साइज क्या है, देखो यहां पर जो चबूतरा बनाया गया है वो 22 मीटर लंबाई का है और 14 मीटर चौड़ाई का है। तो इस तरीके से हम कुछ फिगर भी कुछ इस प्रकार बना दें कि ये आपकी लंबाई वाली भुजा थोड़ी ज्यादा दिखे और चौड़ाई वाली भुजा ये 22 है केवल, सॉरी लंबाई है 22 और चौड़ाई है 14। मान लेते हैं कि जो ये आपका चबूतरा बना है उसकी ऊंचाई कितनी मान लें, h है। उसकी ऊंचाई क्या मान लें, माना इस चबूतरे की ऊंचाई है वो कितनी है, h। ठीक, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इस बेलन बेलनाकार जो कुआ खोदा गया है उसका आयतन, उससे खोदी गई मिट्टी का आयतन, उसी मिट्टी से ये चबूतरा बनाया गया है। इसका मतलब इस खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर इस चबूतरे का आयतन होगा, ठीक है ना। तो बस इसका आयतन निकालें और इसका आयतन बस बराबर बराबर कर दें, एच का मान निकल आएगा। बिल्कुल आसान काम है। जो सबसे पहले क्या लिखना है, देखो कुएं का व्यास दिया गया है, देखो लिखें कुएं का व्यास बराबर 7 मीटर, उसकी त्रिज्या कितनी लिख दें, तो त्रिज्या बराबर कुएं की हो जाएगी, त्रिज्या लिख दें आर बराबर 7/2 मीटर। उसकी गहराई देखो दी गई है, गहराई कहें या ऊंचाई कहें बात एक ही है, गहराई बराबर h बराबर लिख दें कितना, 20 मीटर, ये आपकी गहराई दी गई है। इस कुएं का आयतन या कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन निकाल लें, तो यहां लिखें कुएं से बेलनाकार लिख दें, बेलनाकार कुएं से, है ना, बेलनाकार कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर क्या लिखोगे, बेलनाकार है ना, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां पर लिख दें पाई, तो पाई बना रहने दें, नहीं 22/7 लिख दें, पाई का मान यही लिख दें 22/7, और आर का मान लिख दें 7/2 का स्क्वायर करोगे तो 7/2 × 7/2 दो बार लिख दें, और एच बराबर 20 लिख दें। देखो इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 20 मीटर गहराई का ये कुआ है, तो h बराबर 20 लिखोगे, तो 1 7 से 7 आप कैंसिल कर दें, और 4 2 2 कितना होता है 4, और 4 5 20 पांच बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर बस इसको लिख दें 22 × 7 × 5, बस इतना ऐसे ही लिखा रहने दें, घन सेंटीमीटर लिख दें, घन मीटर। इस मिट्टी से क्या किया गया है, एक चबूतरा बनाया गया है, तो अब लिख माना इस मिट्टी से, माना इस मिट्टी से बने चबूतरे की ऊंचाई कितनी है, बराबर h है। ठीक, इसको h, अब ये कैपिटल लिख लो, ठीक है, क्योंकि स्मॉल हमने यहां पर यूज कर लिए यहां पे, तो इसको स्मॉल की जगह आप कैपिटल लिख लो। ठीक है, तो चबूतरे की ऊंचाई हमने मान ली कैपिटल H, तो अब चबूतरे पर जो मिट्टी बिछाई गई उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो लिख दें चबूतरे पर बिछाई गई मिट्टी का आयतन, ठीक है, या चबूतरे का आयतन लिख दें एक ही बात है, चबूतरे पर बिछाई गई मिट्टी का आयतन, तो चबूतरे पर बिछाई गई मिट्टी का आयतन, देखो घनाभ के आकार का चबूतरा होगा, यहां पर हमने ऊंचाई तो बताई नहीं है, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई कितनी है h, तो आपको घनाभ के आकार वाला फॉर्मूला लगाना है, मानी ये चबूतरा घनाभ के आकार का होता है, तो लिखना है l × b × h। ठीक है, तो l का मान देखो 22 दिया गया है, b का मान दिया गया है 14, और गुणा में क्या h, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, इतना घन मीटर ये हमारा चबूतरे का आयतन हो जाएगा। ठीक है, बस इस आयतन को इसके बराबर लिख दें, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां करके दिखा देते हैं, क्या लिख दें, चबूतरे का आयतन बराबर चबूतरे पर बिछाई गई मिट्टी का आयतन, ऐसे लिख दें, हैं, चबूतरे पर बिछाई गई मिट्टी का आयतन बराबर लिख दें कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन। ठीक, बस बराबर बराबर कर दें, हो जाएगा काम। देखो चबूतरे पर बिछाई गई मिट्टी का आयतन ये हो जाएगा 22 × 14 × h बराबर कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, ये लिखा है 22 × 7 × 5।
इतना ठीक है। बस h का मान निकालोगे तो h बराबर सीधा सीधा काम करना है, देखो 22 गुणे 7 गुणे 5 और इधर भाग करोगे कितने का, 22 का और गुणे में 14 का, ठीक। 22 से 22 पूरा कैंसिल करोगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 दो बार, तो 5/2 मानी 2.5 मीटर ऊंचाई का ये चबूतरा बनके तैयार होगा। ये चबूतरा जो बनके तैयार होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 2.5 मीटर। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4, व्यास 3 मीटर का एक कुआ 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बलय मनी रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई बताइए। देखो तो आपसे ये कहा गया है कि एक कुआ खोदा गया है और उस कुएं से जो मिट्टी खोदी गई है, कुएं से जो मिट्टी निकली वो उसके चारों तरफ फैला दी गई इस तरीके से। देखो हम ये माने कि ये आपका एक कोई कुआ खोदा गया है ये, ठीक है, और उस कुएं से जो मिट्टी निकली है वो बाहर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो आपको सवाल आपने समझा है उसमें क्या किया गया था कि यहां से जो मिट्टी खोदी गई थी वो चबूतरे पर डाल दी गई थी, अलग चबूतरा बना दिया गया। अब की बार क्या किया गया है कि जो मिट्टी खोदी गई है वो उसके चारों तरफ बले के रूप में बिछा फैला दी गई है। मान लो कि ऊपर वाला मुंह इसका ये है तो यहां पर कुछ इस प्रकार से इसको फैला दिया गया है ये, ठीक है, ये इस तरीके से इसकी मिट्टी चारों तरफ ये फैला दी गई है ये, ठीक है, इस तरीके से ये रिंग बना दिया गया ऊपर थोड़ा, यहां पर ये लग रहा है कि ये यूं ऐसे है, ऐसे नहीं है, वृत्ताकार यूं ऐसे करके, है ना, मतलब सीधा सीधा अगर बनाओगे तो देखो कुछ इस प्रकार से, ये तो ऊपरी भाग हो गया कुएं का, जो कुएं का ऊपरी का मुंह है ना ये इतना, और इसमें से जो मिट्टी फैलाई गई वो इस तरीके से चारों तरफ यूं फैला दी गई ये, ठीक है, ये मिट्टी चारों तरफ इसके फैला दी गई है। तो बस इसकी ये कितनी ऊंची मिट्टी फैल जाएगी, बस ये आपसे पूछा गया है। ऐसे मानो कि ये आपका एक खोखला बेलन सा बन जाएगा, ये देखो ये रिंग बन गया ना, ये रिंग बन गया ये, इस रिंग की कुछ ऊंचाई होगी, वो ऊंचाई कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें खोदी गई मिट्टी का आयतन निकालोगे और खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर इस रिंग पर जो मिट्टी बिछाई गई उसका आयतन आपको लिखना है, बस इतना काम है। तो सबसे पहले यहां पर लिखें कुएं का व्यास है देखो कितना, 3 मीटर लिखते हैं, कुएं का व्यास, कुएं का व्यास बराबर कितना लिखना है, 3 मीटर। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं त्रिज्या इसकी 3/2 मीटर हो जाएगी। फिर इसके बाद देखो इसकी गहराई दी गई है, गहराई को एस से लिख दें, गहराई 14 मीटर दी गई है, ठीक। इसका आयतन निकाल लें तो लिख दें कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब देखो 3/2 का स्क्वायर लिखना है, 3/2 का स्क्वायर और एच बराबर 14 लिखना है, ठीक। तो यहां पर देखो इस प्रकार इसको लिख दें, पाई गुणे 3 का स्क्वायर 9/4 गुणे में 14, इतने घन मीटर मिट्टी यहां से देखो खोदी गई है, घन मीटर और आगे लिख दें, ठीक। इस मिट्टी से क्या बनाया गया, ये बलयाकार आकृति जो बनी है चारों तरफ जो बलय आकार में मिट्टी फैलाई गई है उसका आयतन, और ये बलय आकार की जो मिट्टी है देखो थोड़ा ध्यान दें इस पर, यहां से यहां तक देखो ये कितनी हो जाएगी, देखो कितनी चौड़ाई की बलय बनाएगी, चारों ओर 4 मीटर चौड़ी बलय बनी है, ये देखो जो है बलय की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, जबकि कुएं की त्रिज्या आपको 3 मीटर व्यास है तो 3/2 यहां से यहां तक ये 3/2 मीटर ये आपका हो जाएगा, ये देखो यहां से यहां तक ये इतना, ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा देखो ध्यान दें, यहां से यहां तक ये तो हम R1 लिख दें R1, और यहां से यहां तक ये हम R2 लिख दें, ये पूरा R2, ठीक है, ये यहां से यहां तक पूरा कितना हो गया R2। तो बताओ R1 ये है 3/2 और ये इसमें 4 और जोड़ दें तो 3/2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 3 = 11, 11/2 मतलब इसकी त्रिज्या जो बड़ी वाली है वो 11/2 हो जाएगी, छोटी वाली त्रिज्या है वो कितनी है 3/2। मानी इसको हम ऐसे लिख दें, यहां पर लिखें कुएं के चारों ओर
बनी बलयाकार आकृति का आयतन, बस उसका भी सीधा सीधा आयतन निकाल लें। ठीक, मतलब हमें निकालना है जो बलयाकार आकृति बनी है उसका आयतन, माने हमें निकालना है खोखले बेलन का आयतन। सूत्र लगा दें, पाई ब्रैकेट में आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर गुणे एच, ये आपका खोखले बेलन का आयतन होता है। मतलब आर वन मानी बाहर वाली त्रिज्या और आर टू मानी भीतर वाली त्रिज्या और एच मानी उसकी ऊंचाई। ठीक, तो बराबर का निशान लगाएं, पाई अपनी जगह, आर वन का मान आपको ये लिखना है 11/2, बड़ी वाली त्रिज्या 11/2 है, इसका स्क्वायर लिख दें। माइनस आर टू का मान कितना लिखना है 3/2 लिखना है और इसका स्क्वायर लिख दें और गुणे एच की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो बस अब काम आपका बिल्कुल आसान है। देखो यहां पर लिख के दिखा देते हैं, थोड़ा और आगे इसको हल कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा पाई इंटू ब्रैकेट में आपको लिखना है 11 का स्क्वायर, 11 में 121 होता है, बटे में 2 का स्क्वायर 4 लिखें, माइनस 9/4 लिखें और इंटू में एच लिखें। थोड़ा और हल करेंगे तो पाई इंटू ब्रैकेट में 4 एलसीएम आ जाएगा, 11 में से 9 घटेगा 2 बचेगा और ये 112 हो गया इंटू में एच। ठीक है, तो ये आयतन काय के बराबर लिखना है, कुएं से खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर आपको लिखना है। कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं की चारों ओर बनी बलयाकार आकृति का आयतन। ठीक है, तो लिख दें कुएं के चारों ओर, कुएं के चारों ओर बनी बलयाकार आकृति का आयतन बराबर लिखना है कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, बराबर लिखना है कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन। ठीक, यहां पर इस प्रकार हम देखो थोड़ा जगह कम है ऐसे लिख लें। ठीक है, और बराबर में देखो ध्यान दें, इस बलयाकार आकृति का आयतन आपको ये देखो निकाल के हमने रखा है, ये वाला है ना, पाई इंटू में 112 बटे में 4 इंटू में एच, और बराबर में क्या लिखना है, बराबर में लिखना है पाई इंटू में 9/4 गुणे में 14। ठीक, देखो पाई से पाई सीधा सीधा कैंसिल कर दें और 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा और 112 का भाग हो जाएगा तो एच बराबर हो जाएगा 9 × 14/112। ठीक है, 14 × 112 होता है 8 बार कैंसिल हो जाएगा तो 9/8 बचेगा, मानी एच बराबर देखो अगर हम भाग करके देखें तो 8 × 8 और दशमलव लगाएं तो 10 हो जाएगा और 8 × 8 बचेगा और अब बचा है 2, मानी 20 हो गया, 8 × 2 = 16, बस इतना ही रखें हैं, वैसे 4 = 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 ऐसे लिख दें। इतने मीटर मानी 1.125 मीटर ऊंचाई की बलयाकार आकृति जो बनी है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 1.125 मीटर। ठीक, क्लियर हो गया, तो चलिए इस तरीके से देखो फिर से एक बार पूरा समरी करवा दें आपकी, क्या किया गया है, यहां पर एक कुआं खोदा गया है, इस कुएं के से जो मिट्टी निकाली गई है वो आपको बलय के रूप में यहां पर उसी कुएं के चारों तरफ बिछाई गई है, इसलिए इस कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन देखो हमने पहले निकाल लिया और फिर इसके बाद इस बलयाकार आकृति जो बनी है उसका आयतन, मानी उसी मिट्टी से ये बनी है, इस कुएं से खोदी गई मिट्टी के आयतन से ही वास्तव में ये बलय बनी है, इसलिए बलय का जो आयतन है वो उस खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने बलय का आयतन निकाल लिया और बलय की ऊंचाई हमने एच मान ली, यही एच हमसे पूछी गई है, तो जो बलय बनेगी वास्तव में उसका थोड़ा ख्याल करना है कि जो बलय बनेगी वो वास्तव में खोखले बेलन के आकार की होगी, है ना, तो खोखले बेलन के आयतन का सूत्र आपको याद रखना है, पाई ब्रैकेट में आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर इंटू में एच। आर वन क्या है, बाहर वाली त्रिज्या आर वन है और आर टू क्या है, भीतर वाली त्रिज्या। देखो आर वन यहां पर शायद चित्र में कुछ उल्टा तो नहीं लिख गया, देखो आर वन मानी ये बड़ी त्रिज्या जो R1 है ना, वो R2 मानी ये छोटी वाली त्रिज्या, ये देखो R2 है, यहां से यहां तक ये है R2। ठीक, ये R1 है और ये R2, R2 मानी 3/2, R1 मानी 11/2, तो यहां पर R1 R2 की ये मान लिख दिए और H का मान हमें ज्ञात करना है, बस हमने दोनों को बराबर करके कैलकुलेट कर लिया, H का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। पांचवा देखें,
प्रश्न संख्या 5 देखें, लिखा है व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है जिसका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। देखिए आप समझे, जब कोई आइसक्रीम बेचने वाला होता है वो अपने एक सिलेंडर में आइसक्रीम को पूरी भर देता है, ठीक। वहां से अपने घर से जब चलेगा तो पूरी आइसक्रीम ऊपर तक सिलेंडर को भर लेगा और इसके बाद वो बेचना जब शुरू करेगा तो उसको कोनों में बेचता है, कोनों में भर करके। तो एक जब जैसे हम ये माने कि ये आपका एक कोई कोन है, ठीक है, और इस कोन में आइसक्रीम भरता है और भरने के बाद क्या करता है कि एक ढक्कन सा ऊपर जो उसका चम्मच होता है वो ऐसे लगा देता है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक, अर्ध गोला आकार का ये आपका ये बना देता है। तो इस तरीके से उसने शंकुओं में भर करके और इस आइसक्रीम को बेचा है। और वास्तव में है क्या कि ये आपका एक सिलेंडर है जिसमें वो आइसक्रीम भर के बेच रहा है, ये पूरा आपका सिलेंडर है, इसमें पूरे सिलेंडर में ऊपर तक आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है ये। और इस सिलेंडर में इसका व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ये देखो 15 सेंटीमीटर छोटा सा पॉट है, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है बेलन, ये 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का है और 12 सेंटीमीटर केवल इसकी चौड़ा, ये आपका व्यास है ना, व्यास का आधा करोगे तो त्रिज्या मिलेगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर देखो आप ऐसे लिख दें, बेलन का व्यास बराबर दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर आपको लिखना है, अगर R से प्रदर्शित कर दें त्रिज्या को तो R बराबर हो जाएगा कितना, 12 का आधा मानी 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तथा इसकी ऊंचाई देखो कितनी मान लें, मान क्या लें, दी गई है ऊंचाई h मान लें और h बराबर ये 15 सेंटीमीटर ये दी गई है, ठीक है। तो जब त्रिज्या ऊंचाई दी जाएगी तो इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी उसका आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं, इस आइसक्रीम का आयतन। और इस आइसक्रीम से क्या किया गया है, इस शंकुओं को भरा गया है। तो यहां पर पहले इसका आयतन निकाल के आपको बताएं, तो यहां पर लिख लें बेलन का बेलनाकार बर्तन का या बर्तन में बेलनाकार बर्तन में भरी आइसक्रीम, आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन बराबर क्या लिख दें, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन का यही तो सूत्र है, तो पाई अपनी जगह फिलहाल बना रहने दें, आर का मान 6 लिख दें, 6 का स्क्वायर और एच बराबर कितना लिखोगे 15, ठीक। तो अब हम यहां पर ऐसे कर सकते हैं, पाई गुणे 6 गुणे 6 गुणे 15 इतना लिख दें घन सेंटीमीटर इसमें आइसक्रीम है, किसमें, इस बेलनाकार बर्तन में टोटल इतनी आइसक्रीम है। अब इस आइसक्रीम को काय में भरना है, शंकुओं में। इसके बाद हम एक शंकु का आयतन निकाल लें, यहां लिख दें शंकु की ऊंचाई त्रिज्या देखो कितनी दी गई है, ध्यान से समझें, शंकुआकार पात्र में भरी आइसक्रीम, आइसक्रीम शंकुआकार पात्र में भरी आइसक्रीम का आयतन बराबर, बताओ कितना आयतन करोगे। देखो ध्यान दें, इस शंकु में नहीं बल्कि ऊपर एक अर्ध गोलाकार आकृति बनी है उसका भी आयतन आपको इसमें जोड़ना है, तब टोटल इस आइसक्रीम का आयतन निकलेगा। जो शंकु में भरी है उसका टोटल आइसक्रीम का आयतन कब निकलेगा, जब शंकु का आयतन निकालें प्लस इस अर्ध गोले का आयतन निकालें। तो लिख दें यहां पर शंकु का आयतन और प्लस अर्ध गोले का आयतन, ठीक, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो देखो शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करोगे, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई देखो सवाल में दी गई है, देखो समझो बात ध्यान से, 12 सेंटीमीटर देखो आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर, देखो व्यास इसका 6 है तो त्रिज्या तो भैया 3 हो जाएगी और इसकी ऊंचाई देखो ये दी गई है कितनी, ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब समझो बात, अगर इसकी ये देखो त्रिज्या 3 है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि गोले की भी त्रिज्या 3 ही होगी भाई, है ना, गोले की त्रिज्या कितनी होगी 3 होगी। तो यहां पर हमें लिखना है शंकु का आयतन क्या लिख दें, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन होता है 2/3 सॉरी अर्ध, है ना, अर्ध गोले का आयतन, तो अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई
आर क्यूब, दो बटे तीन पाई आर क्यूब। आर तो एक ही बात है हमने बताया, एच इसका 12 लिखना है ना, तो बराबर लिख दें एक बटे तीन पाई, आर का मान कितना लिखना है तीन लिखना है, तो तीन का स्क्वायर, एच का मान 12 लिखना है, प्लस दो बटा में तीन पाई इंटू आर का मान तीन का क्यूब, ठीक है। बराबर एक लाइन और है यहां पर, देखो एक तीन से एक तीन कट जाएगा है ना, तो 12 तीन 36 पाई, तो ये हो जाएगा 36 पाई, प्लस यहां पर देखो एक तीन से एक तीन कट जाएगा, तो तीन क्या नौ, नौ दूनी 18 पाई, यहां लिख दें 18 पाई, दोनों को जोड़ के लिखें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो पाई तो कॉमन मिल जाएगा, और 8 से 14 और 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, माने 54 पाई घन सेंटीमीटर एक शंकु में इतनी आइसक्रीम भर जाएगी एक शंकु में। अगर ये माने कि ऐसे शंकु कितने हैं, एन है, तो एन शंकुओं का आयतन बराबर इसका आयतन, क्योंकि इसी के आयतन को यहां भरा गया है, ठीक है ना, तो n, तो यहां पर हमें शंकुओं की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो क्या करोगे, इस आयतन में इसके आयतन का भाग कर दें, सीधा काम हो जाएगा। चलिए यहां पर थोड़ा आ जाओ और यहां पर देख लेते हैं क्या है। देखो माना इस प्रकार के n शंकुओं में आइसक्रीम को भरना है, आइसक्रीम को भरना है, तब n शंकुओं का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में भरी आइसक्रीम का आयतन। थोड़ा जगह कम होती है इसलिए थोड़ा ध्यान से समझें, आयतन, ठीक। चलिए बराबर का निशान देखो, n शंकुओं का आयतन, तो n गुणे एक शंकु का आयतन, तो देखो वो लिखा है 54 पाई, कितना लिखा है 54 पाई, और बराबर बेलनाकार बर्तन में जो आइसक्रीम भरी गई है उसका आयतन देखो हमने ये लिख दिया है कितना, पाई गुणे 6 × 6 × 15, बस पाई तो देखो सीधा सीधा कट रहा है, 54 का भाग करोगे तो n बराबर हो जाएगा 6 × 6 × 15, और अपॉन में आपको 54 लिख देना है, बस 54 से इसको हल कर ले काट पेड़ के, बस हो जाएगा काम। देखो ध्यान दें, 6 से इसको काटें, 6 × 6 = 6, 6 × 54 9 बार कट गया, 3 से काटें 3 × 9 और 3 × 2 = 6 2 बार कट गया, अब 3 से इसको काटोगे 15 बार कट जाएगा, 15 3 × 5 = 15 5 बार कट जाएगा, और 5 × 2 = 10, तो n बराबर कितना हो गया 10। इसका मतलब ऐसे शंकु कितने भरे जा सकते हैं, 10 शंकु, कितने शंकु भरे जा सकते हैं, ऐसे 10 शंकु भरे जा सकते हैं इस आइसक्रीम से, जो बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम भरी है उस आइसक्रीम से, इस प्रकार के जो आकृति दिख रही है इस प्रकार के कितने 10 शंकु भरे जा सकते हैं, यही पूछा गया है कि इस प्रकार के कितने शंकु भरे जा सकते हैं, आपको लिखना है 10 शंकु भरे जा सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर समझ में आ गया होगा। वैसे ही अगर चित्र से हमने बताया तो अगर वैसे ही आप समझें तो बहुत आसान से समझ में आएगा, इसका आयतन निकालें और बस इसका आयतन निकालें और बस n का मान अगर ज्ञात करना है, क्योंकि ऐसे n शंकु भरे जाएंगे तो n का मान ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, इस शंकु के आयतन का यहां पर भाग देना है, बेलन के आयतन में शंकु के आयतन का सीधा भाग देना है, बस शंकुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। बस इसके बाद देखिए यहां पर आपको अब 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए, बस नेक्स्ट वाले वीडियो में आगे वाले सारे प्रश्न मिलेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे और बस आपका काम खत्म हो जाएगा। इस एंडिंग पॉइंट पर हम पहुंच रहे हैं, बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर, क्योंकि ये प्रश्नावली ही वास्तव में आखिरी प्रश्नावली है, एक ऐच्छिक प्रश्नावली है जो कि परीक्षा की दृष्टि नहीं होती है, उसमें एक नोट्स भी लिखा होता है कि ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि नहीं है, आप करना चाहें करें, और इस वर्ष तो ना करें कम से कम, क्योंकि COVID-19 के कारण इस वर्ष ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए बस केवल इतना पढ़ेंगे, शेष प्रश्न जो बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे एक एक करके, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो बस आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन